दोस्तों फैलांज के मोबाइल फोन के स्क्रीन पर तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को देखिए। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। दोस्तों यहां पर स्क्रीन के सामने देख सकते हैं 10 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं और इनके बहुत NBFC कंपनी है जिसमें कि बैंक भी है, यानी एक्सिस बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक, मनी व्यू, वाइब, DMF फाइनेंस और भी इनके लेंडिंग पार्टनर है जिनके जरिए से अप टू 10 लाख रुपए तक का घर बैठे लोन ले सकते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट यहां पर स्टार्ट हो रहा है देख सकते हैं 10.99% से और इंस्टेंट लोन आपका डिस्बर्स होगा, कहीं भी बैंक ब्रांच विजिट करने की जरूरत नहीं है। कैसे लोन एप्लीकेशन के अंदर लोन अप्लाई करेंगे ये भी हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, लेकिन आप ये भी देख लीजिए यहाँ पर इस एप्लीकेशन के अंदर जब आप लोन अप्लाई करेंगे तो एक RBI रजिस्टर्ड NBFC फॉर्म के जरिए से आपको लोन मिलेगा। अब यहाँ पर है क्या कि ऑनलाइन सारे प्रोसेस किए जाते हैं, तो यहाँ पर आपको फ्लिपकार्ट पे लेटर के अंदर के बाद देखा जाए तो पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड का भी सेक्शन देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको सुपर मनी के नाम से फ्लिपकार्ट के अंदर में सेक्शन देखने को मिलता है, दिखाता हूँ। अब यहाँ पर सबसे पहले एग्जिस्ट एनी वे के ऊपर हम बाहर निकल जाते हैं और अभी हम हैं एप्लीकेशन के अंदर में जो है ये फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट के अंदर में यहाँ पर देख सकते हैं तीन तरह का लिमिट सेक्शन दिखाई देती है जिसका आप लिमिट का इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला फ्लिपकार्ट पे लेटर, इसके ऊपर आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर 1500 रुपये की लिमिट्स थी, लेकिन IDFC फर्स्ट बैंक की तरफ से ही लिमिट्स मिला गया था। इस लिमिट का इस्तेमाल आप यहाँ पर फिलहाल नहीं कर सकते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं फ्लिपकार्ट पे लेटर सर्विस इज नो लॉन्गर अवेलेबल। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ आखिरी टाइम मैंने इस एप्लीकेशन का अपडेट भी दिया था, अगर आप जो लोग भी यहाँ पर पे लेटर लिमिट का इस्तेमाल करते थे अब वो इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, क्या रीज़न था उसके बारे में ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाई है, डिस्क्रिप्शन पार्ट जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। फिर भी मैं आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ IDFC फर्स्ट बैंक की तरफ से इनके जो भी लेंडर थे IDFC फर्स्ट बैंक की तरफ से क्रेडिट लिमिट मिलती थी, अब IDFC फर्स्ट बैंक से टाइप हट चुका है जिस कारण से यहाँ पर कुछ इस तरह से देखने को मिल रहा है। इसके ऊपर जैसे हमें किसी प्रकार का कोई अपडेट मिलेगी फटाक से वीडियो आप लोगों के लिए बना दिया जाएगा। चलिए यहाँ से हम बैक हो जाते हैं और एक और ऑप्शन यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर ऊपर में आपको देखने को मिलेगा पर्सनल लोन, उसके बाद एक्सिस बैंक की तरफ से मिलेगा क्रेडिट कार्ड। तो हम यहाँ पर बात करने वाले हैं पर्सनल लोन्स के बारे में। जैसे इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर देख सकते हैं पावर बाय द स्कैपिक इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड जो कि फ्लिपकार्ट ग्रुप कंपनी यानी फ्लिपकार्ट का ही है। अब यहाँ पर किस लेंडर के जरिए से अप्रूवल मिलती है वो आपके सामने यहाँ पर अप्लाई करके अभी हम स्टेप बाय स्टेप दोस्तों देखने वाले हैं। अगर आप यहाँ पर सैलरीड पर्सन है या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड दोनों कैटेगरी में एप्लीकेशन ये काम करने वाली है तो यहाँ पर सबसे पहले पैन कार्ड में जो आपका फर्स्ट नेम मिडिल नेम है वो आप डालेंगे, लास्ट नेम डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे और पैन नंबर एंटर करेंगे। उसके बाद उसको एम्प्लॉयमेंट टाइप बतानी होगी, आप सैलरीड पर्सन है या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड अपने हिसाब से चूज करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर पिन कोड इंटर करना होगा, ईमेल आईडी देंगे, उसके बाद इस कैप्चा को फिल करेंगे और शो मोर के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर दोस्तों आपकी EKYC होगी, ध्यान रखिएगा पैन कार्ड की जो डिटेल होगी आप एक्यूरेट डिटेल भरेंगे। उसके बाद कंसेंट लिया जाएगा लेंडिंग पार्टनर के जरिए से, अगर आपका कोई भी प्रोफाइल मैच करता है तो आपको यहाँ पर दोस्तों लोन मिल जाएगा। यहाँ पर एक्सप्रिंग के अंदर में आपका सिविल फैच किया जाएगा, यानी एक्सप्रिंग के अंदर में स्कोर फैच की जाएगी, क्रेडिट रिपोर्ट जनरेट होगा। अगर सब कुछ सही रहा, ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो भी लोन की प्रक्रिया होंगी कम से कम आपके सिविल के जो रिक्वायरमेंट होगा 720 प्लस होने चाहिए, ध्यान रखिएगा। उसके बाद जैसे आपको लोन की अप्रूवल मिलती है तो हम आगे का प्रोसेस कंप्लीट करके दिखाने वाले हैं इस वीडियो में, दोस्तों बने रहें। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों है क्या चीज़, मैं आपको पहली बात बता देता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले मैं ये सारे चीज़ें फिलअप पहले कर लेता हूँ, उसके बाद नेक्स्ट वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे। दोस्तों अगर अप्रूवल मिलेगी तो स्टेप बाय स्टेप पूरे प्रोसेस करके बताऊंगा, अगर अप्रूवल नहीं मिलेगी तो मैं आगे प्रोसेस करके नहीं दिखा पाऊंगा। अब देखिए आपके आंखों के सामने यहां पर अप्लाई कर रहे हैं, वीडियो पसंद आ रही होगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। तो आज हम देख रहे हैं यहाँ पर फ्लिपकार्ट पे लेटर के अंदर में किस तरह से आप घर बैठे पर्सनल लोन ले सकते हैं। अगर आप यहाँ पर देख सकते हैं बेसिक डिटेल मैंने यहाँ पर फिलअप कर दिया है, अब यहाँ पर वर्क डिटेल आपसे दोस्तों यहाँ पर पूछी जा रही है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर जो भी कंपनी में काम करते हैं वो कंपनी की डिटेल आपको यहाँ पर दोस्तों फिलअप करनी होगी, अगर आप सैलरीड पर्सन हैं तो। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन हैं तो चीज़ें आपको यहाँ पर बतानी होगी कि आपका किस इंडस्ट्री में
बिलोंग करते हैं और एनुअल टर्नओवर आपकी क्या है, उसके बाद लोन आपकी ऑफर कर दी जाती है। चलिए मैं इसे हम फिलअप कर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों जैसे ही लोन व्यू ऑफर के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहाँ पर दोस्तों दिखाई जाएगी। देखते हैं यहाँ पर अप्रूवल मिलता है या फिर नहीं। आपके आंखों के सामने यहाँ पर दोस्तों लाइव ही कर रहे हैं, वीडियो में दोस्तों यहाँ पर बने रहें। तो फाइनली यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर बताया जा रहा है कि थैंक यू फॉर इंटरेस्टिंग। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं थैंक यू फॉर इंटरेस्ट। यहाँ पर किसी भी लेंडर के साथ यहाँ पर दोस्तों नहीं यहाँ पर सूटेबल हमें ऑफर मिली और अप्लीकेशन हमारी रिजेक्ट हो गई है, जैसा कि आप यहां पर स्क्रीन के सामने देख सकते हैं। तो चेक क्रेडिट स्कोर के ऊपर हम यहां पर दोस्तों क्लिक करेंगे तो हम आपको क्रेडिट स्कोर भी दिखा देते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सिविल स्कोर बढ़िया होने के बावजूद भी हमारे रिजेक्शन क्यों हुई है, तो आप यहां पर देख सकते हैं 758 यहां पर सिविल स्कोर है। लास्ट अपडेट 14 मई को यहां पर दोस्तों किया गया है, ठीक है। ऑन टाइम पेमेंट भी किया गया है। ये आपके सामने दोस्तों इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको वाकई में पता चले कि एप्लीकेशन के अंदर रिजेक्शन होती है बढ़िया सिविल होने के बावजूद भी, ठीक है। ऑलरेडी 5 लोन यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर एक्टिव है, ठीक है। लास्ट टाइम यहाँ पर 4 इंक्वायरी हो चुकी है। तो दोस्तों यहाँ पर समझने की बात यह है कि मल्टीपल फैक्टर होता है आपका रिजेक्शन होने का। ज़रूरी नहीं है कि आपका सिविल 750 से ऊपर है तो आपको कहीं ना कहीं लोन मिल ही जाएंगे, ऐसा नहीं है। रिजेक्शन होने का भी चांसेस दोस्तों बनता है। अब ऐसे में यहाँ पर आपके सामने यहाँ पर अप्लाई हमने किया और एप्लीकेशन हमारी डेफिनेटली यहाँ पर दोस्तों रिजेक्ट हो गई। तो जैसे यहाँ पर दोस्तों अप्रूवल मिलता, हमें किसी एक बैंक के साथ नैच प्रोसेस कंप्लीट करानी होती EMI प्लान चूज करके। उसके बाद जैसे नैच प्रोसेस कंप्लीट होता है उसके बाद लोन एग्रीमेंट OTP के बेस पर करानी होती, उसके बाद आपके बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो आपको किसी भी लेंडर के जरिए से आपको लोन मिल सकता है। यहाँ पर मल्टीपल लेंडर आपको देखने को मिलता है। दोस्तों यहाँ पर आधार पैन के अलावा भी बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन हैं जो कम से कम सिविल के ऊपर भी आपको अच्छा खासा लोन टर्म मिल जाता है और बड़ा लोन भी मिल जाता है। 14 से 20 प्लस ऐसे एप्लीकेशन के ऊपर मैंने वीडियो बनाई है जिसमें कि खुद के प्रोफाइल के ऊपर दोस्तों मैंने लोन लेकर दिखाया है। अगर आप फ्लिपकार्ट पे लेटर के अंदर लिमिट लेना चाहते हैं इसके ऊपर भी मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, लाइव विथ प्रूफ पेमेंट के साथ लोन लेकर दिखाया हुआ है। तो डिस्क्रिप्शन पार्ट दोस्तों जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। ये तो हो गई बात, आपके सामने लाइव ही अप्लाई किया और रिजेक्शन देखने को मिला। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर दोस्तों।